हेलो दोस्तों, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पिछले 30 साल से रेकी, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो कार्ड रीडिंग, रिमानी रेकी, ये सब सिखा रही हूँ और बहुत हज़ारों हज़ारों लोगों की हेल्प कर रही हूँ ये सब सिखा के। और ये काम मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन जब आती है, जब आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, जब आपकी लाइफ में मनी आती है, अबंडेंस आती है और हैप्पीनेस आती है, तो मेरी लाइफ में वो 4 गुना इंक्रीज होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुरुओं की, कि आजकल क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये प्रश्न आ रहे हैं मेरे से कि कौन सा गुरु इस समय अच्छा है, कौन से गुरु को ज्वाइन करना चाहिए, इतने सारे अपकमिंग नए नए गुरु आते चले जा रहे हैं, तो कन्फ्यूजन सी हो रही है कि क्या हमें कहाँ ज्ञान लेना चाहिए, कौन अच्छा गुरु है, कौन अच्छा बता रहा है। अटर कन्फ्यूजन। एक तरफ तो ज्ञान ज्ञान वो लोग बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ वही गुरु जब ज्वाइन करते हैं तो कुछ जेल जा रहे हैं, उनके ऊपर व्यभिचार के लगे हुए हैं, तो कहाँ जाएं। तो पीपल आर स्केयर, डरे हुए हैं लोग कि मैं किसको फॉलो करूँ, किसको ना फॉलो करूँ। तो दोस्तों, ये मेरे व्यक्तिगत वो हैं एक्सपीरियंसेस हैं जिससे मैंने सीखा जाना। तो मैं जो हूँ पर्सनली किसी भी गुरु को, मॉडर्न गुरु को जो अलाइव हैं, किसी को भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि इट इज़ नॉट कि उनको आता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान होगा, ज़रूर होगा, बट मैं ट्रस्ट कैसे करूँ कि वो जो है मेरे लिए परफेक्ट गुरु हैं, या जो वो बात बता रहे हैं वो परफेक्ट ही है। क्योंकि जितने भी आप लोगों को देखोगे, जो भी गुरु हैं वो एक पब्लिक फिगर हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अटेंशन चाहिए, उनको चेले चाहिए, उनको शिष्य चाहिए, उनके बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो अगर मेरी खोज, अगर मेरी यात्रा जो है वो एक है डिवाइन की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ है, तो इनमें से जो गुरु टीवी पर हैं और हर जगह न्यूज़ में हैं और बड़े बड़े स्टार्स के साथ हैं, तो वो ये गुरु जो हैं वो आपको ज्ञान का रास्ता नहीं दिखा सकते। आई डाउट इट, क्योंकि वो खुद ही अभी जो है वो ढूंढ रहे हैं, अपने चेले चपाटे ढूंढ रहे हैं, वो अपनी एक मैग्निफिसेंस ढूंढ रहे हैं। तो अभी मेरे हिसाब से वो वहाँ एनलाइटनमेंट तक खुद ही नहीं पहुँचे, क्योंकि अगर एनलाइटेंड हो गए तो लाइट हो गए, अगर लाइट हो गए तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम प्राण प्रतिष्ठा के पीछे भागें, पैसे के पीछे भागें, बड़े बड़े आश्रम बनवाएं, नाम कमाएं। तो दोस्तों, उन गुरुओं को फॉलो करना मुझे लगता है मिसलीडिंग है। अगर आपका आपको थोड़ा बहुत योग, ध्यान, कुछ कुछ चीज़ें सीखनी हैं, थोड़ा सा थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें जाननी हैं, तो ये थोड़े बहुत टीचर्स ठीक ठाक हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर 1 से 12 की स्कूलिंग में हम जाते हैं, तो हम 1 से 12 12वीं क्लास तक जो हम पढ़ाई करते हैं, जो एक हमें एक बेसिक थोड़ा बहुत हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ये गुरु उसी तरह के हैं कि आपने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया और कुछ 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 मेडिटेशन सीख ली, कुछ टेक्निक सीख ली, जो आप जिससे आपको अच्छा फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है, और आपकी लाइफ थोड़ा बहुत पहले से बेटर रास्ते पे आ गई है। तो उन सब चीज़ों के लिए एक सामाजिक और एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए, इतने अगर आपकी आपका फोकस यहाँ तक है कि कुछ कुछ लाइफ मेरी अच्छी मैनेज हो जाए, तो उसके लिए आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर लो, सब बराबर ही हैं। तो इन सब गुरुओं के साथ आप जा सकते हो, कोई सा भी जो आपको अपील करता है उनको आप पकड़ लो। और ये पर लेकिन ये मुझे लगता है नर्सरी से 11वीं 10वीं तक के टीचर्स हैं जो आपको थोड़ा 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 ज्ञान दे देंगे। बट अगर आपका जो यात्रा है वो अगर आपका है कि मेरे को तो एनलाइटनमेंट या परमात्मा को पाना है या मुक्ति का रास्ता आपका है, तो फिर आगे रास्ता टफ हो जाता है। जैसे PhD का रास्ता टफ है, तो उसके लिए आपकी यात्रा है ढूंढने की, खोजने की और आगे बढ़ने की। वो यात्रा जो ये आसपास जो बहुत सारे गुरु मंडरा रहे हैं, वो उस चीज़ तक आपको बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसके लिए जब शिष्य तैयार होता है, तो वो है गुरु आपकी लाइफ में अपने आप ही आ जाएगा। अगर वह गुरु नहीं आया है जिसे आप फुली सेटिस्फाइड हो, तो आपकी तैयारियों में कमी है। वो आपकी प्यास जो एनलाइटनमेंट की, मुक्ति की, वो जो प्यास है आपकी, उसमें अभी कमी है। अपनी उस प्यास को आपने बढ़ाना है, उसके लिए तड़पना है, तभी वो सदगुरु आएगा। सदगुरु सिर्फ नाम से नहीं होगा, और सदगुरु एक सटल व्यक्ति होगा जो जिसको नाम नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए,
और वो आपको सत्य का रास्ता दिखाएगा, मुक्ति का रास्ता दिखाएगा, और वो आपके साथ आपका हाथ पकड़ के चलेगा। वो ऐसा गुरु नहीं होगा जो आपको, आप उसे रुपये दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, उसके लिए आश्रम खोल रहे हो। ऐसे गुरुओं से सावधान रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो गुरु आपका रुपया पैसा लेकर चलते बनेंगे और आपको बुद्धू बना के, और आप जो हो आप कहोगे गुरु जी अचानक कहाँ डिसअपियर हो गए। जैसे एक गुरु के बारे में हमने सुना है वो देश छोड़ के कहीं और गायब हो गए। तो वो जो व्यक्ति थ्रेटन्ड है, जो व्यक्ति खुद ही अपना सामना नहीं कर सकता, वो आपका सद्गुरु कैसे हो सकता है? तो इसलिए जो है सद्गुरु की जो यात्रा है ये एक टफ यात्रा है, और जिस दिन आप तैयार होगे तो गुरु आपको खोज लेगा, गुरु आपके पास ही आपको नजर आएगा। और वो ये गुरु संसारिक गुरु कदापि नहीं हो सकता, उसके लिए आपकी तैयारी, आपकी प्यास, आपकी तड़प, आपकी कमिटमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप रिलैक्स हो जाओ, अपनी तैयारी करो, अपने रोज़ परमात्मा से सोने से पहले आपका ध्येय अगर मुक्ति है तो रोज़ उसके बारे में परमात्मा से आपने प्रार्थना करनी है, और वो गुरु आपकी लाइफ में आएगा। और वो जो है नॉन विजिबल गुरु होगा, वो इतना कोई नेम और फेम वाला गुरु नहीं होगा, वो सिंपल होगा और आप उसे पहचान जाओगे जब वो आपकी लाइफ में आएगा। और अगर आपको सुनना है तो मेरे को सबसे अच्छे मेरे व्यक्तिगत राय में ओशो हैं। ओशो बहुत ऑथेंटिकली हर चीज़ बोलते हैं, बड़ी सच्चाई से बोलते हैं। उनके प्रवचन सुनिए, उनकी मेडिटेशन, उनके चेले चपाटों में मेरा कोई विश्वास नहीं है, बट हाँ क्योंकि उनकी अपनी जेन्युइन जो टीचिंग्स हैं उनको आप सुनिए, उनको पढ़िए, तो आपका विकास होगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी इंटेलिजेंस को भी वो बढ़ाता है, और आप अपने आप से प्रश्न करते हो, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, हर तरीके से आपकी आपके ब्रेन पावर को वो एक्टिवेट करता है, आपके माइंड को वो ओपन अप करता है। तो ओशो को मेरे हिसाब से सुनना अति ज़रूरी है जो इस साधना के मार्ग पर हैं। तो ही वुड बी वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पीपल आई फील, बट ही इज़ नॉट अलाइव, बट हो सकता है वो किसी को बिना शरीर में आपको मिलें और आपको आगे की यात्रा कराएं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए गुरुओं पे वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।